हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ रियल रूट्स इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव फोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स तो रियल एंड इक्वल रूट्स के क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल किया था अब क्वेश्चन हैं ओनली रियल रूट्स के तो ऐसे केस में आपको याद रखना है कि सिर्फ रियल रूट्स की बात की जाए तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो करना आपने राइट अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ के ध्यान से देखना इस तरह के क्वेश्चंस कई बार सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच Find the value of k for which the quadratic equation for which the quadratic equation kx square minus 6x minus 2 equal to 0 has real roots. Now what happens? The students think it that it is real and equal roots and they do it by discriminant equal to 0. No, it is d greater than. और इक्वल टू जीरो तो आपने कैसे करना कैसे है क्वेश्चन सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है ये लिख लो अगर एक नंबर है तो आप एक नंबर में आएगा तो आपने बिल्कुल ब्रीफ में करना है राइट सो दिस इज द इक्वेशन नाउ यू विल राइट फॉर रियल रूट्स रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो आप पहले से ही कर चुके बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अब आपने क्या करना डी की वैल्यू देखो एक्स का कॉफिशियंट है डी माइनस सिक्स का स्क्र करेंगे माइनस फोर एक्स स्क् का कॉफिशियंट के है वो ए है इंटू सी क्या होगा माइनस टू इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सिंपल याद रखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो माइनस सिक्स का स्क्र क्या है थर्टी सिक्स माइनस और माइनस प्रोडक्ट में प्लस बनेंगे फोर टू जर एट के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अब ट्रांसफॉर्मेशन है देखना है कैसे करना है इसको थर्टी सिक्स प्लस एट के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एट के को आपने यही रखा राइट ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस का थर्टी सिक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू के इस साइड चला गया माइनस बनकर राइट अब K का कॉफिशियंट एट आपने रिमूव करना है तो K क्या हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स अपॉन एट अब आपने कैंसिलेशन करनी है फोर टू जार एट फोर नाइन जार थर्टी सिक्स तो यहां से K विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस नाइन अपॉन टू सिंपल है आपने स्टेप वाइज प्रॉपरली करना है सेकेंड पार्ट एक और करते हैं इसका फाइंड के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाइन एक्स स्क् प्लस थ्री के एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स सेम प्रोसीजर करेंगे एज यू हैव डन इन द प्रीवियस पार्ट सोल्यूशन नाइन एक्स स्क् प्लस थ्री के एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो फॉर रियल रूट्स फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो यहाँ से बी स्केयर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो सो लेट सी वट इज द बी वैल्यू इज थ्री के तो थ्री के का होल स्केयर माइनस फोर इंटू ए इज नाइन इंटू सी इज फोर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अब थ्री के का होल स्केयर बना नाइन के स्क्र माइनस फोर फोर सिक्सटीन नाइन जर वन फोर्टी फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अब आप इसको और सॉल्व करोगे इन दोनों में नाइन कॉमन तो के केयर माइनस वन फोर्टी फोर डिवाइडेड बाय नाइन एज सिक्सटीन दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो के केयर माइनस सिक्सटीन ये नाइन कहा चला जाएगा जीरो के नीचे जीरो अपॉन नाइन यानी स्क्यर माइनस सिक्सटीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नाइन इज जीरो राइट अब आपने यहां देखना है ये देखो इसको के स्केयर माइनस फोर का स्क्वेयर लिखते हैं इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अब एक रिजल्ट है अच्छे से देखो इसको एक्स स्क्र माइनस ए स्केर अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो तो ऐसे केस में एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू माइनस ए और एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए तो ये रिजल्ट आपने यूज करना है तो ऐसे केस में हम लिखेंगे और के विल बी लेस देन और इक्वल टू क्या लिखा है माइनस ए तो ऐसे केस में ए तो फोर है लेकिन माइनस ए करेंगे तो माइनस फोर बनेगा ये भी आंसर ठीक है और करके जैसे इसने लिखा है तो जगह तो के है सो के विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है फोर है आप इसमें गलती ना करो तो इसलिए एक पार्ट ये लिख सकते हो दैट विल बी इजी तो इस तरह से आपने ये रिजल्ट

the questions explained in this video if understood well like comment and subscribe the channel to get updates or more videos thank you